दोस्तों आज मैंने कुछ मिसप्रिंट नोट का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों उसमें कैसा मिसप्रिंट एरर है तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और थोड़ा आपको एस्टिमेट वैल्यू भी बता सकते हैं कि आपको मिसप्रिंट नोट किस रेट में बाय कर सकते हैं या आप उन्हें सेल कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा आइडिया उसको हम दे देंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स का। अगर आपके दोस्तों का मिसप्रिंट नोट है तो उनको भी नॉलेज है मिसप्रिंट नोट किस तरह के होते हैं, और थोड़ा उनका एस्टिमेट वैल्यू भी बता दूंगा कि नोट का क्या प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों आज मैंने पहले ही पार्सल खोल के रख दिया है, तो आप देख सकते हैं आज मैंने वीडियो में नहीं खोला है बट मैंने उनको पहले ही खोल दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये भी मैंने पार्सल वाले खोल के रख दिया है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा टाइम भी लग जाता था तो टाइम नहीं था तो मैंने पार्सल नहीं खोल पाया, मैंने पहले ही खोल के रख दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर मिसप्रिंट नोट आप देख सकते हैं, तो इसमें मिसप्रिंट आपको नोट देखने को मिलेगा 1 रुपये का, 2 रुपये का, उसके बाद नोट आपको मिसप्रिंट देखने को मिलेगा 20 रुपये का, उसके बाद आपको मिसप्रिंट नोट मिलेगा 10 रुपये का। तो तीनों नोट में डिफरेंट डिफरेंट एरर है, उसको आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो हम पहले 1 रुपये 2 रुपये के नोट की तरफ चलते हैं, इनमें क्या एरर है। तो दोस्तों उसको मैं खोल के अब दिखाता हूँ। तो ये दोनों नोट जो है UNC कंडीशन में है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोट UNC कंडीशन में। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इस नोट में क्या एरर हो सकता है, तो दोस्तों जब आप बैक साइड में देखोगे इसके तो इसमें जो है इंक एरर है। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो सीरियल नंबर वाला इंक है जो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं छपा हुआ है, तो दोनों नोटों में छपा हुआ है, तो इसमें इस तरह का एरर है। उसके हम चलते हैं 10 रुपये के नोट की तरफ। तो दोस्तों 10 रुपये का नोट है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा प्रिंटिंग में एरर आया हुआ है, ये पेपर सही तरीके से नहीं कटा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इस यहाँ का जो थोड़ी लाइन पेज था यहाँ नोट का जो यहाँ जो बना था अशोका पिलर का सिंबल है 10 रुपये का, वो थोड़ा यहाँ पे छप गया हुआ है, तो इस वजह से इस नोट में एरर आ गया है। तो आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पेपर ज़्यादा है और यहाँ पेपर कम है। और दोस्तों अभी ये देख सकते हैं ये भी 20 रुपये का नोट है, तो यहाँ से तो बिल्कुल आपको सही लगेगा नोट, जब इसको बैक साइड दे में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है पेपर वेट इंक एरर है, इसको जो एरर कहते हैं वो वेट इंक एरर कहते हैं। तो जो छपाई है नोट की सही तरीके से यहाँ पे नहीं हुई हुई है, तो इसमें ये इस तरह के एरर है। तो दोस्तों इन नोटों का मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, तो दोस्तों इन नोटों का जो मार्केट वैल्यू 100-200 रुपये से लेकर 1,000 2,000 3,000 तक चले जाता है, डिपेंड करता है उस नोट में क्या एरर हो सकता है। जितना बड़ा तगड़ा एरर होगा उतना ही उस नोट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको मेरा एरर नोटों का कलेक्शन पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज मैंने आपको मिसप्रिंट नोट दिखाए हैं और उनका बड़ा मार्केट एस्टिमेट वैल्यू भी बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमने एक वेबसाइट भी बनाई अपनी goldencollection.co.in के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब लिंक को क्लिक करें हमारी वेबसाइट पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी, वैल्यू को पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहे और वो कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।